नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आपका दी पैम्फलेट में। दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना दिल्ली के स्कूलों में ताबड़तोड़ दौरे कर रही हैं। नई शिक्षा मंत्री इसलिए क्योंकि पुराने वाले शिक्षा मंत्री शराब मंत्री की भूमिका में जेल चले गए हैं। आतिशी मार्लेना के इन कार्यक्रमों में खास बात यह है कि जांच पड़ताल के वीडियोस बकायदा माइक के इस्तेमाल के साथ बनाकर नायक फिल्म वाली फील दिलाई जा रही है। ऐसे ही कई वीडियोस उनके ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए गए हैं। आतिशी जी शिक्षा अधिकारी को डांटते हुए, आतिशी जी स्कूल कॉन्ट्रैक्टर को डांटते हुए, आतिशी जी लैब असिस्टेंट को झाड़ते हुए, तरह तरह के वीडियोस और तरह तरह की डांट। वे शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से खासी नाराज नजर आ रही हैं। मानो जैसे इन कर्मचारियों ने आज तक कोई काम ही ना किया हो। माने कुल मिलाकर पूरा नायक के अनिल कपूर वाला माहौल बन गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ उनके व्यवहार को देखकर यही लगता है जैसे शिक्षा मंत्री की भूमिका सिसोदिया जी ने कुछ किया ही नहीं, और अगर कुछ नहीं किया तो फिर किस बात का ढोल पीट रहे थे कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया है। और अगर शिक्षा मॉडल इतना ही सफल है तो फिर आज आतिशी मार्लेना क्यों स्कूलों को सुधारने के लिए निकल पड़ी है। ये तो वही बात हो गई कि किसी टीम के वर्ल्ड चैंपियन होने के बाद उससे क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए कह दिया जाए। वैसे आतिशी जी को कैमरे पर देखकर लगा जैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब मनीष सिसोदिया को जलील करने की प्लानिंग के तहत हो रहा है। याद करें, जब सिसोदिया जी शराब मंत्री की भूमिका में जेल पहुंचे तो केजरीवाल जी ने क्या कहा था, याद ना हो तो हम बता देते हैं। उन्होंने सिसोदिया जी से कहा था कि उनके परिवार की देखभाल अब केजरीवाल जी की जिम्मेदारी है। लेकिन फिर क्या हुआ, दो दिन लगे ये नोटिस जारी करने में कि सिसोदिया जी का बंगला आतिशी मार्लेना को अलॉट कर दिया। आपको याद है कि जब केजरीवाल अपने दल बदल के साथ कूड़े के ढेर पर पहुंचे और एक पत्रकार ने उनसे सिसोदिया की बाबत सवाल पूछना चाहा तो उन्होंने क्या कहा, ये लीजिए खुद ही देखिए। सर, मनीष जी के खिलाफ सीबीआई ने एक बार फिर से उसको अलग से करेंगे यार, अभी तो सारा दिन वही चलता रहता, काम भी तो कर लो थोड़ा सा। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि एक समय सिसोदिया के काम के लिए भारत रत्न की डिमांड करने वाले केजरीवाल क्या सिसोदिया की तथाकथित वर्ल्ड बेस्ट शिक्षा मॉडल को डिसोन करना चाहते हैं? आखिर आतिशी मार्लेना से इस तरह के वीडियोस बनवाकर और उसे फैलाने के पीछे केजरीवाल का मकसद क्या हो सकता है, सिवाय इसके कि सिसोदिया को भ्रष्टाचार साबित होने के दिन पास आ रहे हैं, इसलिए उन्हें पहले ही डिस्क्रेडिट किया जाए और फिर सीधे तौर पर डिसओन करके आगे बढ़ा जाए।